हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास थर्ड वीक 15। टॉपिक है बच्चों आज का चिल्ड्रंस गेम इन दिल्ली पार्ट वन। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी फोर गेम्स प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑफ दिल्ली। बच्चों, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो कौन कौन से गेम खेलते हैं, इन्हीं चार गेमों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम आँख मिचोली, अक्कड़ बक्कड़, पोसंपा और कोड़ा जमालसाई। ठीक है बच्चों, तो कोई भी चार गेमों के आप नाम यहाँ लिखेंगे। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। बच्चों, आपको सबसे ज़्यादा गेम कौन सा पसंद है, तो आप कोई सा भी गेम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मुझे कोड़ा जमाल शाही गेम अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अब बच्चों, इन्हें हमें मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आँख मिचोली, पुगम, अक्कड़ बक्कड़, बम्बेबो, कोड़ा जमालशाही, हैंडकरचीफ, पोसम पापाई पोसम्पा, बिट्टी और रेड मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर ऑफ गेम एंड राइट देयर नेम। अब बच्चों देखिए, यहाँ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट है बच्चों गिल्ली डंडा। ठीक है, सेकंड गेम है बच्चों क्रिकेट। नेक्स्ट है बच्चों, ये कौन सा गेम है, कैरम। एंड ये वाला गेम है बच्चों पोसम पा भाई पोसम पा। ठीक है, पोसम पा भाई पोसंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट योर फेवरेट गेम एंड आस्क योर पेरेंट्स वेदर दे प्लेड दिस गेम इन देयर चाइल्डहुड। तो बच्चों, आपको अपना फेवरेट गेम बताना है कौन सा है। तो यहाँ लिखेंगे माय फेवरेट गेम इज पोसंपा भाई पोसंपा, माय पेरेंट्स हैव ऑल्सो प्लेड अ गेम पोसंपा भाई पोसंपा इन देयर चाइल्डहुड। उन्होंने भी अपने बचपन में ये गेम खेला था। नेक्स्ट है बच्चों लाइफ स्किल ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू मैनी रीजन्स लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक एक्सेट्रा इज कॉल्ड ग्लोबिंग वार्मिंग। दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, हमें बोला गया है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अर्थ का, किन किन वजह से, पेड़ काटने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से और ज़्यादा प्लास्टिक के यूज़ की वजह से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे अर्थ के लिए। ठीक है बच्चों, समथिंग टू डू, डिस्कस विद योर एल्डर्स एट होम अबाउट द मेजर्स बाई विच वी कैन रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है बच्चों वी कैन रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय
planting more trees, using more public vehicles, minimizing use of plastic and recycling the garbage instead of burning it. ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज़ करना है ताकि पॉल्यूशन कम हो, और प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना है, और कचरे को बच्चों रिसाइकिल करना है रिसाइकिल करना है बजाय जलाने के. ठीक है बच्चों, ये हमारे यहाँ पे मेज़र्स हैं. आया सभी को समझ में अच्छे से? नेक्स्ट है बच्चों संस्कार शाला. वी आर एडिक्टेड टू आवर थॉट्स, वी कैन नॉट चेंज एनी थिंग इफ वी कैन नॉट चेंज आवर थिंकिंग. देखिए बच्चों, हमें बोला गया है कि हम हमारी सोच के वशीभूत हैं. ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ नहीं बदल सकते, अगर हम हमारी सोच नहीं बदल सकते, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं बदल सकते. फूड कलर येलो, ईट येलो कलर्ड फूड, फॉर एग्जांपल बनाना, मैंगो, येलो पल्सिस एक्सेट्रा. टाइम विद फैमिली, स्पोर्ट्स, टिक टैक टो, बर्ड फ्लाई, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एक्टिविटी वाटरिंग द प्लांट्स. डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन. बिगिन योर डे बाई ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, कम्प्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है. आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और इसी तरह बच्चों, आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और वीडियोस की सहायता से आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.